ताजनगरी आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र के जयपुर इलाके में डॉक्टर वीके राजपाल का अस्पताल स्थापित है। राजपाल के यहाँ सोमवार की शाम को उस समय सनसनी फैल गई जब डॉक्टर वीके राजपाल के छोटे भाई सुनील राजपाल और उनकी पत्नी की संदिग्ध हालत में लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो कुछ लोगों ने बताया कि डॉक्टर वीके राजपाल के छोटे भाई सुनील राजपाल ने पहले अपनी पत्नी अंशु राजपाल की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद सुसाइड नोट लिखकर खुद को फांसी लगा ली। घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को तकरीबन 11 घंटे बाद दी गई। पुलिस को जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उसमें मृतक सुनील राजपाल ने साफ लिखा है कि अपने 10:30 बजे पत्नी की हत्या कर रहा हूँ। उसमें मृतक सुनील राजपाल ने साफ लिखा कि वह 10:30 बजे अपनी पत्नी की हत्या करेंगे, यानी पत्नी की हत्या का मामला सुनील राजपाल के द्वारा पहले ही रचित किया गया था। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ साथ एक्सपर्ट की टीम ने आत्महत्या के साथ हत्या के कारणों की जांच करने के लिए प्रयास शुरू कर दी है। मौके से बरामद सुसाइड नोट को पुलिस के आला अफसरों ने अपने कब्जे में लिया है और जल्दी पुलिस के आला अफसर इस घटना से पर्दा उठाने का दावा कर रहे हैं। मामला है जो इनके बड़े भाई ने 100 डायल किया था। 100 डायल पे सूचना दी थी कि जो है तो इनके बेटे का फोन जो आया होगा अपने ताऊ के पास में, तो उन्होंने बताया कि वो कुछ जो है गड़बड़ है, तो फिर इन्होंने जो है सूचना दी पुलिस को। गड़बड़ क्या? अब बंद था, नहीं खुल रहा था गेट, अंदर से नहीं खुल रहा था, बंद होगा अंदर से। उसके बाद सुसाइड नोट में ये लिखा है कि मैं इतने बजे अपने परिवार को मार रहा हूँ, यह सूचना पुलिस पर पहुंची थी। सुसाइड नोट मिला है, देखा है। उस सुसाइड नोट में ये लिखा है इतने बजे मैं पुलिस को वो अपने परिवार को मार रहा हूँ। हाँ, मर्डर किया है और उसमें टाइम खुला है 10:30 बजे का। पुलिस को पहले सूचना पहुँचा दी गई थी कि मैं अपने परिवार को मार रहा हूँ? ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं यहाँ पर चेकिंग कर रहा था समाज मंदिर पे, तो उस समय जो 100 डायल मेरे पास आई, उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे जो है 59 में कोई मर्डर हुआ है। तब हम उस सूचना पे आए हैं यहाँ पे। देखा है आपने? क्या देखा है मौके पे? क्या है, जो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, एक हैंगिंग है और एक जो नीचे पड़े हुए हैं। अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? अब जो सुसाइड नोट है अभी उसकी राइटिंग जो है अभी जो है उससे जो है चेंज जो भी है जो मीट मिला के तब जो है हकीकत क्या है उससे पता चलेगा। जयपुर हाउस में डॉक्टर राजपाल वीके राजपाल के क्लिनिक में ही उनके छोटे भाई केमिस्ट की दुकान चलाते थे। आज सुबह ही वो अपने पुत्र का एडमिशन के लिए फ्लैट के लिए गए थे गुड़गांव और आज सुबह ही लौट के आए हैं। तो जानकारी आई है कि यहाँ पर उनके नियत दोनों मियाँ बीवी में सुसाइड किया। तो मौके पर आने में पता लगा है कि उनकी पहले उन्होंने अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारा है, जो उसमें लिखा हुआ है जो सुसाइड नोट में कि मैं इसमें किसी को जिम्मेदार नहीं बनाया जाए, मैं खुद अपनी पत्नी को मार रहा हूँ। और जो हमें जानकारी मिली है बता रहे हैं लोगों की बातें से कि मुँह बुरी तरह से सूजा हुआ है औरत का और जैसे कि किसी तरह से दबा के बुरी तरह से मारा गया है और उसको गट्ठी उसमें पोटली में सुला गया है, मतलब प्री प्लानिंग करके। और शाम के टाइम पर उसने खुद नहीं है बाथरूम में गले में फांसी लगा के खुद आत्महत्या करी है। क्या सूचना पुलिस को पहले जो सुसाइड नोट में समय निर्धारित किया गया था मौत का? नहीं, उसमें जो जानकारी हुई है उसमें मैंने तो नहीं दे, लेकिन जो जानकारी बताई गई उसमें सुसाइड नोट का दिखा गया कि 10:30 बजे मैंने अपनी पत्नी को मारा है और किसी को इसका जिम्मेदार नहीं बनाया जाए।